नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक राज और आप देख रहे हैं मेडिकल टच। दोस्तों स्वागत है आपका मेडिकल टच के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 20 स्पेशलिस्ट टाइप ऐसे डॉक्टर के बारे में और उनको एक्सप्लेन करेंगे सभी डॉक्टर्स के बारे में, ताकि आपको कब कौन से डॉक्टर से मिलना है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो को अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बताने जा रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में। कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट होते हैं, साथ ही फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके इसके लिए आपको इनके एडवाइस लेकर सावधानी बरत सकते हैं। यदि आपके हाथ में, नसों में खिंचाव महसूस होता है, चेस्ट में भारीपन लगता है, थोड़ा चलने से सांसें फूलने लगती है, तेल घी मलाई का सेवन आप ज़्यादा करते हैं, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। तो कार्डियोलॉजिस्ट नॉर्मली दोस्तों, हमने बताया आपको, इन सभी रिलेटेड अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अब चलिए अगले नंबर पर बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर है डर्मेटोलॉजिस्ट। इसे स्किन के डॉक्टर के नाम से जानते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट होते हैं। स्किन में कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे स्किन बर्न हुआ, दांत खाज खुजली, ऐसा कुछ हुआ, चेहरे पे कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इन सभी परेशानियों की वजह से अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको हो रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट हैं गायनोकोलॉजिस्ट। इसे गर्भ अवस्था से संबंधित डॉक्टर के नाम से जानते हैं। महिलाओं के रिप्रोडक्शन ऑर्गन के रिलेटेड प्रॉब्लम की जांच करते हैं। एग्जांपल प्रेगनेंसी, ओवरी, यूरिन इन्फेक्शन से प्रॉब्लम, अगर ऐसा कुछ भी हो या फिर गर्भ अवस्था से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समस्या हो रही है तो आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। नॉर्मली इन्हें गर्भ अवस्था के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। अब चौथे नंबर पर अगर आए तो चौथे नंबर पर हैं पीडियाट्रिशियन। इन्हें बच्चों के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। नवजात शिशु, बच्चे, किशोर और युवा अवस्था से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं और इनके इलाज से संबंधित में कोई भी अगर आपको उचित सलाह लेना है या फिर कुछ भी आपको उचित जानना है तो आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं। 18 वर्ष तक के बच्चों को पीडियाट्रिशियन से दिखाया जा सकता है। बच्चों की बीमारी, टीके या अन्य परेशानियों से नियमित या फिर निजात पाने के लिए आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं। और पांचवें नंबर पे दोस्तों हम बताने जा रहे हैं न्यूनेटोलॉजिस्ट के बारे में। इन्हें नवजात शिशु यानी न्यू बॉर्न बेबी के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। पीडियाट्रिक को एडवांस कोर्स करने के बाद न्यूनेटोलॉजिस्ट बनते हैं। नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद इन्हें दिखा लेना चाहिए। ये नवजात शिशु की परेशानियां तथा चेकअप के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। कभी कभी छोटे देखने वाली बीमारी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, इससे बचने के लिए कभी भी आप न्यूनेटोलॉजिस्ट से परामर्श ले सकते हैं और ये परामर्श लेना काफ़ी ही ज़रूरी होता है। अब छठे नंबर पर जो है वो है न्यूरोलॉजिस्ट। इन्हें दिमाग और नसों के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं की स्पेशलिस्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसके द्वारा छोटी से छोटी शारीरिक गतिविधियां सुचारू रूप से एक्टिव रहती हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये अल्जाइमर, पार्किंसन, मिर्गी आदि के रोगों के उपचार के लिए अच्छे से परामर्श आपको दे सकते हैं। यदि आपको सिर में दर्द, चक्कर, अचानक आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, कप ग्लास पकड़ते टाइम प्रॉब्लम होना, परेशानी होना, पैरों में कंपन या सुन हो जाना, ये सब प्रॉब्लम हो तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपको एक उचित परामर्श दे सकते हैं। अब उसके बाद सातवें नंबर पे जो आ रहे हैं वो हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। इन्हें कैंसर के डॉक्टर के नाम से जानते हैं। कैंसर से बचाव, जांच, उपचार संबंधित
संपूर्ण जानकारी के लिए ये स्पेशलिस्ट होते हैं। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आदि कैंसर के उपचार तथा इलाज के बाद कैंसर की स्थिति के संबंध में इन्हें अच्छे से अच्छे जानकारी होती है। ये आपको कैंसर से लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। अब दोस्तों आठवें नंबर पे जो आ रहे हैं, आठवें नंबर पे हैं ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स इन्हें हड्डी के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। ऑर्थोपेडिक्स हड्डी से संबंधित ऑपरेशन, हड्डी टूटना तथा अर्थराइटिस जैसे परेशानियों में ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह ले सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको दोस्तों हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हो रही हैं, कोई भी अगर हड्डी में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कहीं आप गिर गए, कुछ चोट लग गई, हड्डी के वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर से मिल सकते हैं। और दोस्तों अगले पॉइंट में हम बता रहे हैं ENT के बारे में। ENT नॉर्मली नाक कान गले के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। ENT स्पेशलिस्ट के नाम से भी इनको बोला जाता है। ENT स्पेशलिस्ट नाक कान गले के स्पेशलिस्ट होते हैं। ENT तो स्पेशलिस्ट से आप टॉन्सिल या फिर साइनस आदि से रिलेटेड उपचार या ऑपरेशन भी करा सकते हैं। नॉर्मली दोस्तों अगर आपके कान में, नाक में, गले में या फिर ऐसा किसी भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको ENT स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और दोस्तों अब अगले पॉइंट में हम आते हैं साइकेट्रिस्ट के बारे में बताएंगे। साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं? इन्हें मानसिक रोग के डॉक्टर के नाम से जानते हैं। व्यवहार और मानसिक स्थिति की परेशानी में इनसे मदद लेनी चाहिए। ये डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव आदि से बचने के रास्ते बता सकते हैं। साथ ही साथ कुछ दवाइयों के मदद से आपके मानसिक रूप में मजबूती ला सकते हैं। इनके परामर्श के बाद आत्महत्या जैसे विचार मन से बिल्कुल निकल जाते हैं और ये जीवन जीने की नई राह दिखा सकते हैं। दोस्तों जैसे साइकेट्रिस्ट के बारे में बता दें, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं या फिर अगर ऐसा कुछ आत्महत्या, कोई सुसाइड ऐसा टाइप अगर कुछ भी ख्याल आ रहा है, तो आपको साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो आपको बेहतर परामर्श दे सकते हैं। अब अगले पॉइंट में हम बता रहे हैं दोस्तों रेडियोलॉजिस्ट के बारे में। ये डॉक्टर एक्सरे, MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट होते हैं। किसी भी डॉक्टर के लिए इनसे परामर्श करने के बाद उपचार करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके साथ रेडिएशन का शरीर में प्रभाव तथा बचाव की भी संपूर्ण जानकारी इनके पास होती है। नॉर्मली दोस्तों रेडियोलॉजी डॉक्टर वो डॉक्टर होते हैं जो आपका एक्सरे, MRI, CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड इन सभी चीज़ों इन्वेस्टिगेशंस के लिए वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इन्हीं सबसे अगर कोई रिलेटेड आपको कुछ भी परेशानी महसूस हो रही है या फिर कुछ भी परेशानी है, तो आप किसी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। तो अब आते हैं अगले पॉइंट में अपने। अगला पॉइंट है यूरोलॉजिस्ट। नॉर्मली यूरोलॉजिस्ट इन्हें पेशाब की परेशानी के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। महिला और पुरुष को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। यूरिन के किसी भी, जैसे यूरिनरी ब्लडर हो गया, के अलावा पुरुष के रिप्रोडक्टिव के रिलेटेड कोई भी परेशानी हो गई, उनके साथ उपचार के लिए ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके साथ साथ पेशाब में अगर कुछ परेशानी हो, तो आप किसी भी यूरोलॉजी को मिल सकते हैं। यूरोलॉजिस्ट को इन सभी चीज़ों के परेशानियों में बहुत अच्छी जानकारी होती है और वह आपको एक बेहतर परामर्श दे सकते हैं। अब अगले पॉइंट में हम बताएंगे आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के बारे में। इन्हें पेट से परेशानी के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रो में स्टोमेक, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लेडर आदि से संबंधित परेशानी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर इन सभी से रिलेटेड अगर कुछ भी परेशानी होते हैं, तो और उपचार के लिए आप किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं।
इनमें एसिडिटी हुआ, सीने में जलन हुआ, भूख ना लगना हुआ, पेट में दर्द हुआ, बार बार उल्टी होना, ढकार आना, बहुत ज़्यादा ढकार आना, अल्सर, कब्ज, लूज मोशन, पाइल्स, इन सभी समस्याओं के लिए अगर देखा जाए तो आप किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपको इस चीज़ से निजात दिला सकते हैं और वो एक आपको बेहतर परामर्श दे सकते हैं। दोस्तों अब अगले पॉइंट में हम बताएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में। नेफ्रोलॉजिस्ट यह किडनी से संबंधित डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। यह किडनी के संबंधित बीमारी की स्पेशलिस्ट होते हैं। किडनी में किसी भी समस्या का पता लगाना और उनका उपचार करना इनका विशेष क्षेत्र होता है। किसी विशेष बीमारी जैसे डायबिटीज़ आदि से किडनी पर पड़ने वाला प्रभाव और उससे बचाव आदि के बारे में इनको अधिक जानकारी होती है। यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में फ़र्क यही होता है कि यूरोलॉजिस्ट सर्जरी कर सकता है लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट सर्जरी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट है, ये अगर किसी भी आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। और अगले पॉइंट में हम बता रहे हैं, चलिए पल्मोलॉजिस्ट। पल्मोलॉजिस्ट यह सांस, लंग्स और टीबी के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। पल्मोलॉजिस्ट ये रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए काम आने वाली अंगों की समस्याओं की पता लगाकर उपचार करते हैं, इनके स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, टीबी आदि के उपचार के लिए। अगर आपको इन सभी बीमारियों से रिलेटेड संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे निमोनिया है, अस्थमा है, टीबी है, या फिर सांसों से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो आपको बेहतर परामर्श बताएंगे। अब अगले पॉइंट में हम बता रहे हैं एनेस्थेसियालॉजिस्ट। एनेस्थेसियालॉजिस्ट नॉर्मली ये डॉक्टर वून समय पे काम आते हैं दोस्तों, जब आपको कोई ऑपरेशन, कोई बड़ा ऑपरेशन या फिर कोई सर्जरी कराना होता है। तो अब देखिए ये डॉक्टर का काम ये होता है ना कि आपको कोई भी बॉडी पार्ट को अगर आपको उनको सुन करना है, जैसे कोई भी अगर आप सर्जरी परफॉर्म करवा रहे हैं या फिर कोई भी सर्जरी अगर हो रहा है तो नॉर्मली पहले उस बॉडी को सुन करना पड़ता है। तो एनेस्थेसियालॉजिस्ट को ये काम अच्छे से पता होता है कि पेशेंट के बॉडी में कितना खुराक जाने से उनका बॉडी सुन हो सकता है। तो इन नॉर्मली आपको एनेस्थेसियालॉजिस्ट से कभी मिलना नहीं पड़ता है, ये ऑपरेशन थिएटर या फिर जब आपका ऑपरेशन हो रहा है तो ये एनेस्थेसियालॉजिस्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं। अब अगले पॉइंट में हम अगर बता रहे हैं तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है। इंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये इन्हें डायबिटीज़, हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड या थायराइड के स्पेशलिस्ट माना जाता है। यदि आपको डायबिटीज़ है या फिर अगर महिलाओं में देखा जाए तो प्रेगनेंस, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उस समय उनको हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या हो सकती है तो वो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब अगले पॉइंट में अगर हम बताएं दोस्तों हेमेटोलॉजिस्ट के बारे में। हेमेटोलॉजिस्ट ये ब्लड और बोन मैरो से संबंधित बीमारी के स्पेशलिस्ट होते हैं। यदि आपको एनेमिया या फिर बोन मैरो से संबंधित बीमारी है तो आप हेमेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। हेमेटोलॉजिस्ट नॉर्मली दोस्तों ब्लड से रिलेटेड होता है या फिर बोन मैरो एक प्रोसीजर होता है। अगर वून सब सारी परेशानियों से अगर कोई भी आपको परेशानी हो रहा है तो आप अपने आप को हेमेटोलॉजिस्ट से एक बार मिल सकते हैं, वो आपको बेहतर परामर्श दे सकते हैं। अब उसके बाद आ रहे हैं दोस्तों सबसे अगले पॉइंट में अगर हम बताएं तो वो होते हैं सेक्सोलॉजिस्ट। इन्हें सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से संबंधित डॉक्टर के नाम से जाना जाता है और इनसे अगर कोई भी आपके पर्सनल मतलब कोई सेक्स से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रहा है तो आप किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इन डॉक्टर से मिलने के टाइम आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं कुछ भी ऐसा फील करना चाहिए। उनसे जो आपको परेशानी है वो एक्यूरेट आपको उनको बताना चाहिए। अब चलिए दोस्तों लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, वो होता है हेपेटोलॉजिस्ट। इन्हें लीवर से संबंधित डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। यदि आपके SGPT, SGO2 या ग्रोविन लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है
इन सभी रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रहा है तो आप किसी भी हेपेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपको इस के ऊपर कोई बेहतर जानकारी दे सकते हैं, बेहतर परामर्श दे सकते हैं, ताकि आपका सभी इन सब से कोई भी परेशानी हो तो उनसे आप निजात पा सकें। तो दोस्तों ये थे पूरे 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिनके बारे में हमने आपको बताया, एक्सप्लेन किया। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो को अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।